तड़का लग रहा है। सोनम मुस्लिम नहीं है क्या? बाद में मुस्लिम हो गई। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज आज है डे टू ऑफ मॉर्निंग वॉक और आज हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। क्या है, रोज़ रोज़ एक ही रूट पे जाएंगे ना तो बोर हो जाएंगे, तो डेली डेली हम अलग अलग रूट पे जाएंगे। फिलहाल ये है LIG का लिंक रोड, यहाँ से जा रहे हैं हम। ये साइड में एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, बाकी आपको बहुत सारी व्हीकल्स भी निकलती दिख रही है। भाई कितना जल्दी उठ जाते हैं लोग, मुझे लगता है मैं अकेले ही सोता था सुबह सुबह। बस अचानक से ना एकदम से ज्यादा जाने लग गया। अभी थोड़ी देर पहले है ना शोर कम था। हाँ, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक ज्यादा गाड़ी निकलने लग गई, शायद उनको पसंद नहीं आया हमारा वीडियो शुरू करना। नहीं तो इससे पहले इतनी कहाँ थी। हाँ बहुत कम थी, बहुत कम निकल रही थी, अब एकदम बहुत निकलने लगी। भाई घूमते घूमते आपके सवालों के जवाब देते, वैसे सवाल तो ज़्यादा है नहीं, एक सवाल था सबसे ज़्यादा पूछा गया कि सोनम का नाम सोनम क्यों है, क्योंकि सोनम नाम कई लोगों को सुन के लगता है ये मुस्लिम नेम नहीं है। तो क्या सोनम मुस्लिम नहीं है? कई लोगों ने ये भी पूछा, सोनम मुस्लिम नहीं है क्या, बाद में मुस्लिम हो गई? तो इसका आंसर करेगी सोनम। हाँ, मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ। हाँ, पहली बात तो ये। हाँ, और दूसरी बात के नाम का मीनिंग अच्छा होना चाहिए। हाँ, और तीसरी बात ये कि सोनम मेरा निकनेम था। और निकनेम इतना ज़्यादा बोला जाने लगा कि वो निकनेम से रियल नेम हो गया। हाँ, सना नाम था रियल तो। हाँ, पर वो निकनेम सोनम हो गया क्योंकि फिर वो स्कूल में और वो आईडी कार्ड में वही लिखवा दिया। हाँ, और पहले के लोग इतना ध्यान नहीं देते थे जितना आज के लोग देते। पहले सबके है ना दो नाम होते थे हमारे। हाँ, अब मेरी बड़ी बाजी है। हाँ, उनके भी दो नाम चलते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में उनका अलग नाम चलता है और घर पर उनका अलग नाम चलता है। हाँ, तो ऐसा मैटर है भाई, आप सबको इसका आंसर मिल ही गया होगा। अब इस व्लॉग का टाइटल यही रहेगा, क्या सोनम मुस्लिम है? जैसे आप लोगों को बता दें, सोनम एक पंजाबी नाम है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो कई लोग मतलब भी पूछ रहे थे तो उनका भी आंसर हो गया। रास्ता आपने कई बार देखा होगा, हम यहाँ से अक्सर निकलते हैं बाइक से, लेकिन पहली बार आज वॉक से निकलते हुए दिखा रहे हैं आपको बाय वॉक। ये रास्ता ना मैं कंफ्यूज रहती हूँ जब भी बाइक से जाती हूँ ना। हाँ, बट आज पैदल गई ना वॉक। हाँ, करते हुए। हाँ, तो मुझे पूरा याद हो गया। अच्छा, किधर जाते अपन वो सब याद आ गया, वैसे याद नहीं आता है। हाँ, वैसे तो एक सीधा ही रास्ता है। हाँ, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं। सो गाइज, अभी हो चुकी है शाम, अपनी चाय आ चुकी है, अपनी अम्मी भी आ चुकी है, अपना भाई भी आ चुका है, अपनी बीवी और बच्चे भी आ चुके हैं। हाँ मेरी, मैं अपने आप को हम करके बोलता हूँ कभी कभी, ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ अपने आप को। हम मतलब असली मी होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? The next day. गाइस आज हम छत पे वॉक कर रहे हैं, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारा जब उठने का टाइम हुआ था, मतलब जब जाने का, उससे आधा घंटा थोड़ा लेट भी हम, क्योंकि हानिया उठ गई थी तो उसको सुलाने में भी टाइम लग गया, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। और थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो फिर भीड़ बढ़ जाती है मार्केट में, तो फिर वो फील नहीं आता है मॉर्निंग वाला, तो इसलिए छत पे ही हम वॉक कर रहे हैं आज। वैसे आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, आज कल के मुकाबले और परसों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मतलब ये छत हमारी कवर है, देखो आसपास से फिर भी काफ़ी ठंडा लग रहा है, तो बाहर तो और ज़्यादा ही ठंडा लग रहा होगा, तो एक ये भी रीज़न है। बाकी हमारा पेट सूख गया है टमाटर का, देख लो इसकी जड़ें फैलने की जगह कम बची है, अब इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ, और मिट्टी थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी उसमें। मिट्टी फिर वो छत में वो हो जाएगा ना, पानी डालेंगे तो छत लीक होने लग जाएगी। छत तो ना लीकेगी, यहाँ पे वो है ना पाइप, यहाँ से जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, या तो फिर ये पत्तियाँ जो रखी है इनको कट करना पड़ेगा। हाँ, इनको काट देंगे अपन तो। काट के लगाए हैं उन्होंने पौधे। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी कुप्पियों में भी अच्छे चल जाते हैं। एक अजवाइन का पौधा लगाया है और गुलाब का पौधा भी लगाया था आपने एक बार वीडियो में। हाँ, हाँ।
छत पे, छत पे लगाया था, तो इनमें भी चल जाते हैं अच्छे से इनको कट करके। कुछ पौधे जो छोटे रहते हैं वो चल जाते हैं, जो बड़े होते हैं उनके लिए तो बड़ी जगह चाहिएगा। ये टमाटर वाले भी चल जाता होगा ना? चल जाता होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना बढ़ता है ये भी। हाँ इतना ही बढ़ता होगा, पौधा ही रहता है ना, पौधा ही रहता है। A few minutes later. तो अभी मैं नहा लिया हूँ और अब जा रहे हैं हम थोड़ा सा घूमने। हानिया भी उठ गई है तो इसको घुमा के लाते हैं। गाइस कल के वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज करने वाले हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप लोग। चैलेंज तो नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा एक्सपेरिमेंट करने वाले, तो देखना ज़रूर वो वीडियो। बेटा यहाँ कोई गिलहरी नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, आती ही नहीं है, पहले तो बार बार यहीं दिखती थी। तो अभी फैज़ान भाई नाश्ता लेके आ चुके हैं, समोसे, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा आज। ये चटनी है, ये ग्रीन चटनी मेरी बहुत फेवरेट है दही की। एक कटोरी और चम्मच ला देना मुझे तो। और फैज़ान भाई तो पोहे लाए हैं, मैं पोहा खाऊंगा। फैज़ान अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट करने वाला है फेब्रवरी में, इसने वादा किया है कि बाहर का कुछ नहीं खाएगा फेब्रवरी में, तो आज लास्ट टाइम ये खा रहा है। बिल्कुल लास्ट टाइम आज खा रहा है, इसके बाद ये बाहर का कुछ नहीं खाए। और पोहे में इतनी कैलोरीज नहीं होती है वैसे, है ना? हाँ हेल्दी होता है पोहा, मतलब जो तला हुआ चीज़ ज़्यादा रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी रहती है। हाँ जैसे समोसा, कचौरी, ब्रेड बड़ा, आलू बड़ा। सही सही सर। और मीठा। हाँ बिल्कुल सर। सबसे पहले तो इसको कर देंगे ऐसा, हाथ से ही करना पड़ेगा ऐसा। अब इसमें जाएगी चटनी अपनी फेवरेट वाली। बस अब इसको कर देंगे मिक्स। तो समोसा खा के हमारा हो चुका है, बहुत टेस्टी समोसा था और साथ में वो चटनी मेन इम्पोर्टेंट है, खट्टी भी है, मीठी भी और तीखी भी है, दोनों है। इधर हानियों को देखो भाई, अभी नहा के आई है और ये क्या कर रहे हो? नहा के आए हो ना अभी और ये क्या हालत कर ली है जमीन पे, क्या है ये? चलो हटाओ इसको, ये देखो बाल पूरे बिखर गए, बाल बिखर गए पूरे। इसमें क्या हो गया? अरे सब उधड़ गया, रुई रुई निकाल के फेंक रही हानिया जगह जगह से, ऐसा उधड़ गया। अच्छा तो इसको सी रही। अभी फिलहाल हम हानिया को लेके जा रहे हैं थोड़ा सा घुमाने, क्योंकि अभी आपने देखा ये ब्लैंकेट में लिपट रही थी ना, तो उसमें इसका सर फूट गया जमीन से, तो इसलिए जा रहे हैं थोड़ा इसको, इसका मूड फ्रेश करके लाते हैं। हानिया के चाचू भी नहा चुके हैं। आज मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन का कैमरा जो है स्काई को कुछ ज़्यादा ही ब्लू कर रहा है। देखो आप कितना ज़्यादा ब्लू दिख रहा है, जबकि मैं रियलिटी में देख रहा हूँ ना तो इतना ज़्यादा ब्लू नहीं है भाई। ये फ़ोन के कैमरा ना काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं, खूबसूरती बढ़ा देते बेसिकली। वैसे लेफ्ट साइड में जो आप पार्क देख रहे हो ये बन रहा था, पर बनते बनते रह गया और अभी इसका काम रुका हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत टाइम से रुका हुआ है, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। और इस रूट पे हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, आते ही नहीं हम, तो हमने सोचा इस रूट पे चलते हैं आज, क्योंकि पता होना चाहिए ना आसपास क्या चल रहा है अपने घर के आसपास। तो यहाँ पर आज एक चक्कर काटने के लिए आ गए हम। तो गाइस अभी हानिया सो चुकी है, तो अभी हम फिर से घर जा रहे हैं। हमारा प्लान था थोड़ा लंबा घुमा के लाएंगे इसको, लेकिन थोड़ी देर में ही सो गई, तो अब घर ही जा रहे हैं। ये सो गई। एक मिनट तड़का लग रहा है, ये देखने में बहुत मजा आता है मुझे। अभी अम्मी जो है खाला के घर जा रही है, क्योंकि वहाँ पर सब शादी में गए हैं, सगाई में ना, सगाई में। और वहाँ पर हमारी जो नानी है जिनको हम आपा बोलते हैं, वो अकेली है। तो एक बार और अकेली थी तो अपन सब गए थे ना, लास्ट टाइम भी गए थे हमने, तब व्लॉग भी बनाया था वहाँ पे, आपने देखा होगा, हमारे पुराने व्यूअर्स ने तो पक्का देखा होगा। हानिया उठ जाए तो हम भी चले जाएंगे।
ओके गाइस, तो इस व्लॉग को अभी यार इधर ही एंड करते हैं। आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। वैसे इस व्लॉग को एंड करने के बाद मैं फिर से एक और नया व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ, तो वो कल आ जाएगा। बाकी आप बताओ कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।